नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना के साथ आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के दौरान अभी लखीमपुर खीरी के अंदर हाल ही के अंदर अभी विवाद सामने आया था जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से किसान आंदोलन के अंदर अब एक गर्म मुद्दा सामने आ चुका है जिसमें आप सभी को बता दूं कि किसान आंदोलन स्थल कुंडली में सिंधु बॉर्डर पर कल रात्रि के समय एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, वो भी पीट पीट करके। जी हाँ, बेरहमी से हत्या की गई, यानी कि आप सभी को बता दूं कि 100 मीटर तक तो उसे घसीटा गया है। घसीटने के बाद में उसका एक हाथ भी काट दिया गया, तो वहीं शव को किसान आंदोलन के मंच पर लटका दिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप लगा हुआ है और इसी आरोप के चलते हुए उसे मार दिया गया है। इतनी बेरहमी तरीके से उसका हाथ भी काट दिया गया और वहीं उसे लटका भी दिया मंच के ऊपर किसान आंदोलन की। वहीं हालांकि इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है ऐसा सूत्रों के मुताबिक सामने आ रहा है, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आया है कि युवक की हत्या निहंगों के द्वारा की गई है। जी हाँ, निहंगों के द्वारा युवक की हत्या होना इसमें बताया जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति को इतनी बेरहमी से मारा जाना, वो भी किसान आंदोलन के अंदर, यह एक बेहद ही शर्मनाक घटना पूरे देश के लिए अब बनती हुई जा रही है। क्योंकि लगातार किसान आंदोलन के बीच में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसका असर कहीं और नहीं पूरे देश की जनता पर पड़ रहा है। और पूरे देश के अंदर युवा पीढ़ी से लेकर के बुजुर्ग पीढ़ी और बच्चों की पीढ़ी भी मौजूद है, तो उनके ऊपर गलत प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अगले साल आईपीएल को लेकर के अब से मेगा ऑक्शन शुरू होने वाला है, यानी कि अब प्लेयर्स की बोली लगेगी। और वहीं इस मेगा ऑक्शन के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अभी किस टीम के किस खिलाड़ी को रिटेन किया जाएगा यह अभी तक सुनिश्चित नहीं है। आज बात करें तो इसके ऊपर अभी पर्दा लगा हुआ है, क्योंकि अभी महेंद्र सिंह धोनी जो चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा बने हुए हैं और कप्तान भी हैं, उनके ऊपर भी असमंजस बना हुआ है कि वह आखिरकार अगले आईपीएल में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इसी को लेकर के अभी लगातार असमंजस बना हुआ है। लेकिन इसी बीच आईपीएल का फाइनल का मुकाबला आज है, यानी कि आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों टीमें आमने सामने होती हुई नजर आएगी। और वहीं इस आईपीएल के अंतर्गत कौन ताज पहनेगा इस सीजन का, यह रात्रि के समय आप सभी को सुनिश्चित हो जाएगा। वहीं आप सभी को एक बात और बता दूं कि रीट अभ्यर्थी परीक्षा 2021 के अंतर्गत अभी लगातार मामले खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बत्तीलाल पकड़ने में आया, बत्तीलाल के बाद में बत्तीलाल ने पेपर जांच लिया, वह पकड़ने में आया और इसके लगातार खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसका मास्टरमाइंड आखिरकार है कौन, किसने पेपर को लीक किया है और इन सबको धीरे धीरे दिया है, क्योंकि यह तो एक चेन की घड़ी जा रही है। और इसी को लेकर के आप सभी बता दूं कि एसओजी लगातार इसके अंतर्गत नए चेहरे को पकड़ती हुई नजर आ रही है और वहीं अब बेनकाब करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अब तक इसका मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पेपर को 40 लाख रुपए में खरीदना बताया गया था और 40 लाख रुपए के खरीदने के बाद में पेपर को अलग अलग लोगों को भेजा गया जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भी शामिल थे। तो वहीं इस बीच आप सभी को बता दूं कि पेपर तो बेचा गया, 40 लाख रुपए में खरीदा गया, लेकिन वह पेपर 3 लाख रुपए तक में बेचा गया है, यानी कि 3 लाख 5 लाख 7 लाख समथिंग ऐसे अनेक कैटेगरी के अंदर पेपरों को बेचा गया है, जिससे साफ साफ सुनिश्चित हो रहा है कि ये पेपर की घड़ी लंबी निकलती हुई अब सामने आएगी। लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसके लिए अभी एसओजी लगातार पूछताछ करने में और कार्रवाई करने में जुटी हुई नजर आ रही है। वहीं आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी कोरोना के आंकड़े कहां तक पहुंच चुके हैं। अगर हम फिलहाल 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 8 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और वहीं फिलहाल किसी भी व्यक्ति की कोरोना वायरस की वजह से मौत होती हुई पिछले 24 घंटे में नजर नहीं आई है। वहीं अभी एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस अभी भी 42
मौजूद बताए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।